Assalamualaikum friends. I hope you are all fine. Today our lecture number one, unit number nine, lesson number one and two. Our topic is the beginning of farming. Farming ka agas kaise hua? Unit number nine, lesson number one. Listen and speak. Read the text and answer the question. Let's start it. Ellen, I have been reading a book about giant secret. It says that they are so big that they can ईट होल फिश एक बुक के बारे में बता रहा है कि मैंने सिक्वेट के बारे में पढ़ा है और ये एक ऐसी उस बुक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इतनी बड़ी होती है कि वो हर तमाम शीप्स को खा सकती है बेन आई हैड अ फ़नी ड्रीम लास्ट नाइट अबाउट अ ह्यूज फिश मुझे मैंने लास्ट नाइट एक बहुत बड़ी मछली के बारे में एक बहुत मजाकिया सा ख्वाब देखा यू विल नेवर गेस वॉट हैपन तुम अंदाज़ा भी लगा सकते हो क्या था चौल आई थिंक आई कैन गैस यू आर फिशिंग एट सी मेरा अंदाजा है कि तुम शायद सी पर फिशिंग कर रहे हो खाम में बट नॉट यू का ऐसा नहीं है एंड द फिश फिश एज एज अ बस और इतनी बड़ी है जितनी के बस वॉज नॉट इट का ऐसा नहीं है चौड़े एंड इट स्वेलोड एन अदर बोट डिड नॉट इट और उसने दूसरी कश्ती को स्वेलो कर लिया निगल लिया ऐसा नहीं है देन इट पुल्ड योर बोट अक्रॉस द इंडियन ओशन और फिर उस बोट को पुल कर दिया इंडियन ओशन की तरफ डिड नॉट इच, इच। आखिर में तुम इसको कैच भी नहीं कर सके यू आर नॉट सीरियस तुम सीरियस नहीं हो रहे इट वॉज वेरी फ्राइटनिंग ड्रीम ये बहुत खौफजदा जदा खूफ करने वाला ख्वाब था आर नाइट में एक ड्रॉना ख्वाब इन फैक्ट नेक्स्ट वन इज आंसर द द क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन इस क्वेश्चन को रीडिंग के बाद क्वेश्चन का आंसर करें वट डू यू लर्न अबाउट बैंस ड्रीम आपने बैन के ड्रीम के बारे में क्या अंदाजा लगाया या क्या सीखा ही हैड अ ड्रीम अबाउट आ ह्यूज फिश उसने एक बहुत बड़ी मछली के बारे में ख्वाब देखा इट वॉज अ फ्राइटनिंग ड्रीम ये एक बहुत खौफसदा ख्वाब था नेक्स्ट वन इज हम ये एक्टिविटी हमारी के इन uh, वर्ड्स को लेकर वर्ड्स को पढ़ें और समरी को कंप्लीट करें अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड एगो द फ्यू पीपल ऑन द अर्थ लिव इन केवस और टेंट्स बीस हजार साल पहले लोग जमीन पर घरों में या फिर टेंट्स में रहा करते थे दे सरवाइव बाई पिकिंग वाइल्ड फ्रूट्स, बेरीज एंड नट्स डग अप द रूट्स ऑफ द अर्थ दे वो बहुत वाइल्ड फ्रूट्स को बेरीज को नट्स को खाकर जिंदा रहते थे और यहाँ तक कि ज़मीन से जड़ों को उखाड़ते और उनको खा लेते थे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स विद स्टोन टूल्स वो जानवरों का शिकार पत्थरों के औजारों से करते थे दोस्त पीपल हु लिव्ड बाय द सी कलेक्टेड शेल एंड क्रैब्स फ्रॉम द बीच और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि सी के पास रहते थे वहाँ पर शेल फिश को कलेक्ट करते और साहिल से इन लैंड इफ देयर वर नॉट इनफ वाइल्ड एनिमल्स और फ्रूट्स ऑन अगर जमीन पर वो फ्रूट्स और एनिमल्स को ना पाते तो वहां से मूव कर देते दे वन प्लेस फॉर लॉन्ग वो एक जगह पर ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करते थे ना पीपल डी नॉट नो हाउ टू फार्म लोगों को ये नहीं पता था कि फार्म किस तरह किया जाए बिकॉज नो वी हैड थॉट डेट दे कुड प्लांट सीड्स क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि उनको प्लांट्स को सीड करना चाहिए वो प्लांट्स को सीड कर सकते थे एंड लिव नियर देम वाइज दे वर एबल टू ग्रो और वहाँ पर भी रह सकते थे जहां पर उसको ग्रो करने के काबिल हो जाते इन स्टाइड ऑफ मूविंग फ्राम प्लेस टू प्लेस इसकी बजाय कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते ये था हमारे लेसन नंबर वन कम्पलीट हम लेसन नंबर टू को स्टार्ट करने लगे हैं फाइन वर्ड्स फॉर दिस नंबर राइट इन योर नोटबुक स्टार्टिंग विद द लॉस लॉ से स्टार्ट करते हुए नंबर वाइज इनको लिखना है स्टूडेंट्स मैंने इनको नंबर वाइज तो नहीं लिखा लेकिन आपने इसको नंबर वाइज लिखना है लिहाजा मैंने सोल्यूशन बस आपको लिख दिया सोल्यूशन आपका जो था नाइन्टी नाइन्थ फोर्टी फोर्थ ट्वेंटी फर्स्ट थर्टी थर्ड एटी एट थर्टी सेकेंड सेवेंटी सेवंथ नाइन्टी फोर्थ सिक्सटी सिक्स फिफ्टी फिफ्थ वन हंड्रेड थी मैंने वैसे तो आपको सोल्यूशन बता दिया लेकिन नंबर वाइज आपने पहले लिखना है सबसे लोएसट फॉर्म से स्टार्ट करना है इसके बाद आपने हाइस्ट फॉम की तरफ आना है नेक्स्ट हमारे पास है इन विच सेंचुरी डिड दिस इवेंट्स हैपन कौन सी सेंचुरी में ये इवेंट्स हैपन हुए हैं कौन 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 सी सेंचुरी में इस बॉक्स को कंप्लीट करना है हमारे पास ईयर है इवेंट है और सेंचुरी है कंप्लीट हमने खुद करना है फोर्टीन नाइन्टी टू कोलम्बस सेल्ड टू अमेरिका और ये फिफ्टीन सेंचुरी है फिफ्टीन नाइनटीन मैगलिन सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड सिक्सटीन सेंचुरी है ये 1876 ag bell invented the telephone in 19th century 1947 at the state of Pakistan created 20th century 2001 the apple ipad was developed 21st century next my activity hai. abbreviations write these headings above the correct column people and address mr मिस्टर और एड्रेस है रोड का उसको हम आर डी पढ़ते हैं मिसिस मिसिस एम आर एस को लिखेंगे तो मिसिस की एब्रिवेशन और रेगिस्ट्रीट की एब्रिवेशन है एस टी डॉक्टर डी आर एवेन्यू ई वी ई प्रोफेसर एफ पी आर ओ एफ लेकिन इसको प्रोफेसर ही पढ़ना है स्केयर्स एस क्यू नेक्स्ट एक्टिविटी है मेजरमेंट की किलोग्राम केजी पाउंड वेट फीट एफ टी मीटर्स एम आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टी एब्रीवेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 पर्सनल कंप्यूटर पी सी कम्पैक्ट डिस सी डी जी तो हमारी एब्रिवेशन जमने कम्प्लीट कर ली नेक्स्ट uh, हमारी तो एक्टिविटी है राइट दिस टेक्सट मैसेज इन फुल एज इन द एग्जाम्पल एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है उस मैसेज को फुल फॉर्म में लिखें टेक्स्ट में लिखें वी आर यू आर को हमने ए आर ई आर में लिखा है और यू के फुल स्पेलिंग लिखे हैं वाई ओ यू आई विल बी माइनस एट लेट टू आई विल बी टेन मिनट लेट टू ऊपर बी जो है वो टेन है वी वन आवर मैच एक्सीलेंट न्यूज आई एक्सपेक्ट टू बी होम एट एट सी यू सोन लुकिंग फॉर्वर्ड टू सींगड यू बाय इन वेलप थैंक्स यू थैंक्स फॉर योर ई मेल लास्ट वन इज यू आर नॉट टू हेयर आज हमने लेसन नंबर टू और लेसन नंबर वन को कम्पलीट किया है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को किया है इनको अच्छे से आपने लर्न करना है और जो लास्ट पे हमने एब्रिवेशन को किया था मैयर एड्रेस पीपल आई इंफॉर्मेशन टी टेक्नोलॉजी इनको आपने नोटबुक पे होमवर्क पे करना है थैंक यू स्टे होम एंड कीप लर्निंग